हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स. टुडे वी विल स्टार्ट द थर्ड चैप्टर ऑफ आवर हिस्ट्री बुक एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ द फर्स्ट फार्मर एंड द हर्डर्स. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. स्टार्टिंग ऑफ द न्यूलिथिक एज. सी, हमारा न्यूलिथिक एज जो था वो कहाँ से स्टार्ट होता है और उस एज में हमने कौन कौन सी डिस्कवरीज करी थी, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे. द ओल्ड स्टोन एज लास्टेड टिल 10,000 BC. जब 10,000 BC था उस समय पर ओल्ड स्टोन एज ख़त्म हुआ. आफ्टर 10,000 BC द न्यूलिथिक और न्यू स्टोन एज बिगेन. और जैसे ही 10,000 BC में ओल्ड स्टोन एज ख़त्म हुआ उसके तुरंत बाद न्यूलिथिक एज या फिर न्यू स्टोन एज स्टार्ट हो गया. न्यूलिथिक पीरियड इज़ नोन फॉर 3 इन्वेंशंस. न्यूलिथिक पीरियड जो था वो 3 इन्वेंशंस के लिए मेनली जाना जाता है. द फर्स्ट इज़ द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर, द सेकेंड इज द इन्वेंशन ऑफ व्हील एंड द थर्ड इज मेकिंग ऑफ पॉटरी. सो फर्स्ट ऑफ लेट्स नो समथिंग मोर अबाउट द न्यूलिथिक एज. अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोन टूल सच एज एक्सेस, सिकल्स, स्पीयर्स एंड बोज एंड एरोज हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम न्यूलिथिक साइट्स. ये अलग अलग तरह के जो टूल्स थे, एक्सेस हों, सिकल्स हों, बो एंड एरोज हों, ये सारी चीज़ें कई सारे न्यूलिथिक साइट्स से बहुत सारे पाए गए. दीज टूल्स वेयर स्टिल मेड ऑफ स्टोन्स. ये सारे टूल्स जो थे, ये सब टूल्स भी पत्थर से ही बने हुए थे, बट वर मच शार्पर एंड वेल पॉलिश दैन द माइक्रोलिथिक टूल्स. ड्यू टू इम्प्रूव वेराइटी ऑफ टूल्स दिस पीरियड इज़ नोन एज द न्यूलिथिक एज. ये जो टूल्स थे, ये सब टूल्स भी पत्थर से ही बने हुए थे, मगर ये थोड़े वेल पॉलिश्ड थे, थोड़े अच्छे शार्प थे. तो ये क्यों थे? क्योंकि ये जो टूल्स थे ये थोड़े अच्छे स्टोन से बनाए गए थे, इस वजह से ये सारे टूल्स जो थे ये अच्छे दिखते थे. उस टाइम पर जब न्यूलिथिक एज स्टार्ट हुआ था उसके उसमें हम जो अर्ली मैंस थे उन लोगों ने धीरे धीरे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट कर दिया था, मतलब जानवरों का पालन करना स्टार्ट कर दिया था. ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन बिगेन टू टेम एंड डोमेस्टिकेट एनिमल्स. ही डोमेस्टिकेटेड डॉग, पिग, गोट, शिप, काउस एंड कैमल्स एंड हॉर्सेस. इस पीरियड में जो एनिमल्स को उन लोगों ने रखना स्टार्ट किया था वो सारे थे, उनमें से डॉग हुआ करता था, पिग, गोट, शिप, काउस, कैमल्स और हॉर्सेस. काउस एंड गोट्स प्रोवाइड फ्रेश मिल्क. वो काउस एंड गोट्स जो होते थे वो उन्हें फ्रेश मिल्क देते थे. द हॉर्स, बुल्स एंड कैमल्स वर टेम फॉर कैरिंग बर्डन एंड प्लोइंग द फील्ड. हॉर्स, बुल्स या कैमल्स जो होते थे वो उन लोगों के चीज़ों को, सामान को इधर से उधर कैरी करने के लिए या फिर फील्ड में खेती करने के काम में लाया जाता था. सी प्रोवाइड वूल फॉर यूज़ ड्यूरिंग विंटर्स. कैटल ऑल्सो प्रोवाइड हिम मैन्योर फॉर हिज क्रॉप्स. जो सिप हुआ करती थी वो उनसे वूल मिलता था और जो कैटल हुआ करते थे वो लोग अनाज की जब सफाई करते थे उसमें भी उनका इस्तेमाल किया जाता था. इसके बाद है द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर. आफ्टर डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर मैन बिकम अ फूड प्रोड्यूसर इंस्टीड ऑफ अ फूड गैदरर. एग्रीकल्चर स्टार्ट करने से पहले जो अर्ली मैन हुआ करते थे वो लोग फूड गैदरर थे. ये लोग क्या करते थे, जगह जगह घूमकर फूड खाना इकट्ठा किया करते थे. अब एक समय आ गया था जब वो लोग धीरे धीरे एग्रीकल्चर मतलब खेती करना शुरू कर दिए थे. नाउ ही कुड प्रोड्यूस मोर फूड दैन ही रिक्वायर्ड. सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वर ग्रोन बाई मैन नियर हिज हट एंड हार्वेस्टेड. जिस जगह पर भी वो खेती करते थे वहाँ पर एक छोटा सा वो मकान घर जैसा बनाकर रहा करते थे, क्योंकि खेती करने में ऑब्वियस सी बात है ना, दो से तीन महीने लग जाते थे, 4 महीने भी लग जाते थे. तो ऐसे इतने दिन तक वो कहाँ रहेंगे, तो उस वहाँ रहने की थोड़ी व्यवस्था वो लगाते थे. धीरे धीरे छोटा सा मड हाउस या फिर ऐसे झोपड़ी जैसा बनाकर वो लोग रहना शुरू किए और उसी के पास वो खेतों में अनाज उगाना उन लोगों ने स्टार्ट किया. न्यूलिथिक मैन ग्रू द फर्स्ट सीरियल्स, व्हीट एंड बाली. सबसे पहले उन्होंने गेहूं और जौ उगाया था. ही यूज्ड सिकल्स फॉर हार्वेस्टिंग क्रॉप्स. जो सिकल्स होते हैं, हसुआ जिसको बोलते हैं, सिकल्स जो होते हैं उसका इस्तेमाल ये लोग अनाज क्रॉप्स को काटने के लिए किया करते थे. दस बिसाइड्स हंटिंग एंड गैदरिंग मैन बिकम अ फूड प्रोड्यूसर. इन सभी चीज़ों को देखकर हमें समझ में आ जाता है कि जो लोग कल तक हंटिंग या गैदरिंग किया करते थे आज वो फूड प्रोड्यूसर हो गए थे.
अब सेटलमेंट ऑफ न्योलिथिक एज, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी पिछले स्लाइड में भी आपको समझाया कि जब वो लोग खेती करते थे तो वहाँ पास में वो लोग हर्ट या फिर मड हाउस बनाकर रहा करते थे। नाउ मैन बिगेन टू सेटल डाउन इन रिवर वैलीज एंड फैमिली यूनिट्स केम इन टू एग्जिस्टेंस। ही स्टार्टेड मेकिंग मड हाउस नियर हिज फील्ड्स। ये लोग ज़्यादातर ये खेती कहाँ किया करते थे, नदी के किनारे किया करते थे, ताकि उन्हें पानी वगैरह की जो प्रॉब्लम है इसके लिए कहीं ज़्यादा दूर जाना ना पड़े। खेतों में डालने के लिए जो पानी की चाहिए उनको, उसके लिए वो दूर, उन्हें दूर से पानी लाने ना जाना पड़े, इसलिए वो लोग खेती जो है ज़्यादातर नदियों के पास किया करते थे। और जब खेती नदी के पास हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि घर भी हम नदी के पास ही बनाया करते थे। तो वो लोग घर जो मड हाउस या फिर हर्ट्स बनाया करते थे वो लोग ज़्यादातर नदियों के किनारे बनाया करते थे। नेक्स्ट आया व्हील। व्हील का इन्वेंशन भी इसी एज में हुआ था। द इन्वेंशन ऑफ व्हील इज़ मेड मैंस लाइफ ईजियर। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ब्यूटिफुल पॉट्स। द व्हील वॉज यूज इन हॉर्स कार्ट्स एंड बुलक कार्ट्स टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड मैन। अपार्ट फ्रॉम दिस द व्हील हेल्प्ड इन स्पिनिंग एंड वीविंग। व्हील का इन्वेंशन जब हुआ उससे उन लोगों की लाइफ थोड़ी और आसान हो गई। जैसे कि उन्होंने व्हील की हेल्प से पॉट्स बनाने स्टार्ट किए, या फिर जो घोड़ा तो हुआ करता था उनके पास, या बुल्स जो हुआ करते थे उनके जो पीछे वो लोग वो व्हील लगा दिया करते थे, जिससे और पीछे वो बैठने की जगह बना देते थे। जैसे बुलक कार्ट होता है ना, या हॉर्स कार्ट होता है, वैसा वो लोग बना करके ट्रांसपोर्ट करते थे गुड्स को भी, और ख़ुद भी उन लोगों को कहीं जाना वाना होता था तो उस पर आराम से बैठकर आसानी से जाया करते थे। इन चीज़ों के साथ साथ जो व्हील होती थी वो स्पिनिंग और वीविंग में भी इनकी हेल्प करती थी। द नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेंशन ऑफ पॉट्स। When man began of food producer, he feel the need of containers to store grains. जब लोगों ने अनाज उगाने स्टार्ट किया तब उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि उन अनाज तो खूब सारा उग जाता था एक साथ में, तो उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि ये अनाज को अगर हम ऐसे बाहर छोड़ देंगे तो बारिश धूप से वो ख़राब हो जाएगी। तो उनको स्टोर करने का आइडिया समझ में आया कि अभी से हमें हट के अंदर स्टोर करके रखना है। सो ही बिगेन टू मेक पॉट्स फ्रॉम क्ले एंड ड्राइड देम इन सन। तो उन्होंने मिट्टी से बर्तन बनाने शुरू किए और उसे धूप में सुखा दिया करते थे। तो कच्ची मिट्टी का जो बर्तन होता है उसको बनाकर वो धूप में सुखाते थे, तो उसमें सूखी चीज़ें तो वो स्टोर कर पाते थे, मगर पानी अगर डालेंगे तो वो मिट्टी वापस से गीली हो जाती, मतलब वो पॉट जो है वो टूट जाता था। बट लिक्विड्स कुड नॉट बी स्टोर्ड इन दिस अर्न्स। इन ड्यू कोर्स मैन लर्न टू बेक क्ले वेसल्स ऑन फायर। तब उन्होंने सोचा कि अगर इसको पका दिया जाए मिट्टी को तब वो नहीं टूटेगी। तो क्या किया उन्होंने, धीरे से पॉट्स को आग में पकाया, और पकाने के बाद वो मिट्टी जो है पकने के बाद पानी या लिक्विड, कोई भी लिक्विड स्टोर करने के काम में आने लगी। नाउ पॉटरी डिड नॉट डिजॉल्व व्हेन पुट इन वाटर। ही ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटिफुल डिज़ाइंस एंड ब्यूटिफुल कलर्स इन रेड येलो ब्राउन एंड ऑरेंज। धीरे धीरे जब वो आगे बढ़े तो उसमें वो पानी या कोई भी लिक्विड चीज़ें स्टोर करने लगे। अब वो बर्तन जो है टूटता नहीं था। धीरे धीरे जब उनकी पॉटरीज बनती थी वो काफ़ी खूबसूरत बनने लगी। शुरू में तो बस ऐसे ही, स्टार्टिंग में देखिए किस तरीके से बना रहे थे, आप पिक्चर में देख रहे ना, पहले जो बनाते थे इस तरीके के एकदम टेढ़ा मेढ़ा जैसा था। फिर धीरे 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 व्हील, देखिए यहाँ पर व्हील की हेल्प से वो बना रहे हैं, सेकेंड वाले पिक्चर में देखिए व्हील की हेल्प से वो पॉट्स बना रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे उनकी जो पॉटरी पॉट्स हुआ करते थे वो काफ़ी सुंदर और कलरफुल हुआ करते थे। उनको कलर भी कर देते थे वो लोग रेड येलो ब्राउन या ऑरेंज कलर से, तो काफ़ी खूबसूरत धीरे धीरे होने लगा। सी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। द पीपल ऑफ न्यूलिथिक पीरियड मेड सर्टन कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर द ट्राइब्स मेन टू केयर ऑफ हंटिंग गैदरिंग फार्मिंग प्लॉइंग एंड फिशिंग। जो मैन हुआ करते थे उस समय के, वो लोग ज़्यादातर क्या करते थे, हंटिंग गैदरिंग फार्मिंग प्लॉइंग या फिशिंग का काम किया करते थे। और वुमेन जो हुआ करती थी वो घर देखती थी या बच्चों को संभालती थी। चिल्ड्रन टुक केयर ऑफ प्लांट्स ड्राइविंग अवे ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड दैट माइट ईट देम। बच्चे जो होते थे वो लोग प्लांट्स, छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाया करते थे, उनकी देख रेख करते थे, या जो एनिमल्स होते थे उनके साथ खेलना, बर्ड्स के साथ खेलना। कई बार वो लोग उसको पकड़ कर बन काट फ्राई करके भी खाते थे।
मैन यूजुअली मेड पॉट्स बास्केट्स टूल्स एंड बीड्स. मैन जो है वो पॉट्स वगैरह बास्केट वगैरह भी बनाने का काम किया करते थे. देयर हैड टू बी अ लीडर हु प्रोबेबली वॉज द ओल्डेस्ट मैन एंड वॉज ऑल्सो बिलीव्ड टू बी द वाइजेस्ट. ये जो ग्रुप हुआ करती ट्राइब रहा करती थी जंगलों में, तो इनका एक लीडर भी हुआ करता था जिन जो उस ग्रुप का सबसे ओल्डेस्ट पर्सन हुआ करता था और सबसे वाइजेस्ट भी हुआ करता था, ये हम लोग ये माना जाता था. ट्राइब्स ऑल्सो हैड देयर ओन गॉड एंड गॉडेस. जो ट्राइब थी मतलब जो ग्रुप रहता था उस ग्रुप के अपने ही देवी देवता हुआ करते थे. खैर वो देवी देवता क्या थे, वो देवी देवता जो ये ट्राइब जो थी ये अर्थ सन वाटर फायर काउस इन सभी की पूजा किया करते थे, क्योंकि इनका मानना था कि प्रकृति ही हमें सब कुछ दे रही है तो हम प्रकृति की ही पूजा करेंगे. तो प्रकृति में ये लोग अर्थ की सन की वाटर की फायर की या काउस की पूजा किया करते थे. इन लोगों की एक और बिलीफ था वो क्या था, व्हेन मेन डाइड देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स बर्ड द डेड इन अ ग्रेव with the object that they यूज during their lifetime, perhaps they believe the life after the death. इनका जब उनके ग्रुप में से या उनका जो मेम्बर फैमिली मेम्बर्स हुआ करते थे उनमें से अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो वो लोग क्या करते थे, उनकी बॉडी को किसी ग्रेव में दफना देते थे. लाइक और उनको दफनाने के साथ साथ वो जो जिस इंसान की डेथ हुई है उस वो इंसान पूरे लाइफ में उसने जो जो चीज़ें इस्तेमाल करी थी वो सारी चीज़ों को भी वो उस ग्रेव में उनके साथ में दफन कर देते थे. इन लोगों का ये मानना था कि डेथ के बाद भी एक अलग दुनिया है, एक अलग लाइफ होती है, जहाँ पर जो हमारा रिलेटिव या फ्रेंड जिसकी डेथ हुई है अगर वो जाता है तो वहाँ उसको उसकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उनकी उनके द्वारा यूज इस्तेमाल की जाने वाली सारी चीज़ों को वो उनके साथ ही ग्रेव में दफना दिया करते थे. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चालकोलिथिक एज. आफ्टर 4000 BC द मैन हैड डिस्कवर्ड कॉपर. 4000 BC के बाद जो मैन थे वो लोगों ने कॉपर का डिस्कवर किया. सो ही बिगेन टू यूज़ कॉपर अलॉन्ग विद द स्टोन. अब जब स्टोन था तो धीरे धीरे स्टोन के साथ साथ वो कॉपर का भी इस्तेमाल करने लगे, इसलिए इस एज को चालोथिक एज या फिर स्टोन कॉपर एज कहा जाता है. कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज बाई मैन. कॉपर ही पहला मेटल था जिसको लोगों ने इस्तेमाल किया था एज अ मेटल. टूल ऑफ कॉपर वर बेटर दैन स्टोन टूल्स. जो कॉपर के टूल्स हुआ करते थे वो स्टोन के टूल्स से ज़्यादा बेटर हुआ करते थे, ऑब्वियस सी बात है होंगे, क्योंकि जो स्टोन होता था वो सॉफ्ट होता था, वो टूट जाता था, उसको जब वो शार्प करते थे या उससे जब भी वो हंटिंग वगैरह करते थे तो वो टूट जाता था. लेकिन कॉपर जो होता था वो स्ट्रॉन्ग मेटल होता है और वो नहीं टूटेगा इतना ईजिली, वो नहीं टूटता है. तो ऑब्वियस सी बात है ना कि कॉपर जो है वो ज़्यादा बेटर है स्टोन के. कॉपर एक्सेस एंड नाइस वर स्ट्रॉन्गर एंड शार्पर दैन स्टोन टूल्स. जो मैंने बताया आपको कि जो कॉपर के एक्सेस या नाइस हुआ करते थे वो लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्गर या ज़्यादा शार्पर होते थे एज़ कंपेरिजन टू स्टोन टूल्स. इन ड्यू कोर्स इट अ लिटिल टिन वॉज मिक्सड विथ कॉपर. दिस मेटल इज़ नोन एज ब्रॉन्ज. जैसे कॉपर का डिस्कवर्ड हुआ उसके तुरंत धीरे 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 कुछ समय बाद उस कॉपर का जो मेटल हुआ करता था उसमें टिन को हल्का सा मिक्स करते ही वो ब्रोंज का फॉर्म में चेंज हो जाता था. और ये ब्रोंज भी एक तरीके का मेटल होता है जो कि कॉपर से भी ज़्यादा हार्ड होता है, जिससे कि आगे चलकर अर्ली मैन जो थे वो लोग अलग से फिर टूल्स बनाना स्टार्ट किए. होप आप लोग सभी को ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा. थैंक यू.